गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब तुम्हें पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी गामा के लिए। गामा का मतलब क्या होता है? तुमने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो तो गामा को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। फिर एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि गामा ऑफ एन क्या होता है। देखो, जैसे तुम रूट बनाते हो ना, हम रूट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये रूट में नहीं होता, ये क्या होता है? ऐसे, मतलब ये दो साइड्स ऑफ अ स्क्वायर कह लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस वन फैक्टोरियल। सपोज करो, जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 5 का गामा, बताओ क्या आएगा? तो तुम क्या लिखोगे? 4 फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि वो गामा से बाहर आएगा तो 1 माइनस होके उसका फैक्टोरियल बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम गामा। जैसे सपोज करो मैंने कहा 6 गामा, तो ये क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो कभी कभी इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, गामा एन का मतलब क्या होता है? एन माइनस वन फैक्टोरियल ना, इसकी जगह मैं लिख दूं एन माइनस वन इंटू में एन माइनस वन गामा। क्यों? एन माइनस वन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? एन माइनस वन एन माइनस टू के फैक्टोरियल तक रोक सकते हो, और एन माइनस टू के फैक्टोरियल तक अगर मैंने रोका तो ये क्या हो गया? 1 प्लस कर दो तो वो गामा में आ जाएगा एन माइनस वन। तुम्हें इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि गामा के अंदर कोई टर्म है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल करके, ठीक है। फिर एक फंक्शन और, जब हमारा फंक्शन 0 to ∞ होता है, इंटीग्रेशन तुम्हें लर्न करना है, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहां पर कितना है? जो यहां पर है माइनस के साथ एक्स है, तो यहां पर भी क्या है? एक्स की पावर में है। एक्स की पावर में क्या है? एन माइनस वन। तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है? गामा एन। सपोज करो मैंने दे दिया ई माइनस एक्स, एक्स की पावर 4 डी एक्स 0 to ∞, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो तुम्हें डायरेक्टली देखना है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 4 को 5 माइनस वन लिख सकती हूँ, ई माइनस एक्स, एक्स की पावर 5 माइनस वन डी एक्स 0 to ∞, और डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूले से कंपेयर करो, अब इसको और इसको, एन माइनस वन क्या आएगा यहाँ पे? एन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 गामा। और 5 गामा क्या होता है? 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24। तो ये तुम्हारा एक फंक्शन था गामा, इसको हम कभी कभी गामा फंक्शन भी बोल देते हैं। अब ये सारी जो कैलकुलेशन अभी हमने की है, ये हमारे अब डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होंगी, तो तुम्हें जनरलाइज चीजें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम नया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू हैव अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। मैं क्या कह रही हूँ? एक्स के पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब उसका पैरामीटर क्या होगा? लैम्डा। जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में उसका पैरामीटर क्या था? लैम्डा, ग्रेटर देन 0। एंड इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, अब इसका पीडीएफ कौन देगा? एफ ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन। वही देखना जो मैंने फॉर्मूला दिया था, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन लिखा था, वहां पे लैम्डा लिख दिया। तो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब उसका पीडीएफ क्या होगा? ये गामा है तुम्हारा, ठीक है। और एक्स कहां से कहां वेरी करना चाहिए? 0 to ∞। कॉन्टिन्यूस के लिए मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरवल्स आ जाते हैं, सारी वैल्यू 0 to ∞ तक। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स 0, 1, 2 ये होते थे डिस्क्रीट में, लेकिन यहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? कॉन्टिन्यूस, और उसमें क्या आएगा? 0 to ∞। एक फंक्शन जिसके पास एक एक्स वेरिएबल, जिसके पास उसका पीडीएफ ये गिवन हो, तो वो क्या बन जाता है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन। एंड 0 अदरवाइज, मतलब जब हमारा एक्स कहां से कहां तक है? 0 to ∞, तब तो ये फॉलो करेगा। और जब हमारा, मतलब अब कौन सा रह गया? 0 to ∞ वाला पार्ट रह गया, उधर वो फंक्शन क्या होगा? 0। तो इसको बोलते हैं हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। ये एक्स है, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें पूरी सेंड कर दूंगी नोट्स की, तो तुम देख लेना। और इसको किससे डिनोट करते हैं? मैंने अभी बताया गामा क्या होता है ये, तो गामा का, गामा डिस्ट्रीब्यूशन मैं ऐसे लिखते हैं ना, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया था? बी एन पी, पॉइजन का पी लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यू, और उसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स थे, ए कॉमा बी वाले थे। अच्छा, यहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? गामा। तो एक्स कौन सा रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा? गामा। और पैरामीटर क्या है इसका? लैम्डा। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? गामा लैम्डा से। द फंक्शन एफ एक्स रिप्रेजेंट्स अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब तुम्हें बोल दे कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या फिर बोल दे इट इज प्रॉपरली डिफाइंड और नॉट। प्रॉपरली डिफाइंड के लिए हम क्या करते हैं? उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी
वन होनी चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फंक्शन का जीरो से इन्फिनिटी पूरा करके आंसर वन ला दो तो वो प्रॉपरली डिफाइंड हो जाएगा। तो मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे ये, इसका इंटीग्रेशन कर दो जीरो टू वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, क्या बन जाएगा ई माइनस एक्स वन बाय गामा लैम्डा, तो बाहर आ गया जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है x की पावर लैम्डा माइनस वन डी एक्स। और मैंने तुम्हें अभी बताया ये फॉर्मूला क्या फॉलो करता है, अगर e की पावर में माइनस एक्स हो और x की पावर में कुछ n माइनस वन टाइप है तो ये क्या हो जाता है गामा, और ये भाग चल ही रहा है, ये क्या आ गया वन। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था ये e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, तो एन वाला क्या आ जाएगा एन गामा, गामा एन, तो वही यहाँ पे किया e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन को मैंने गामा गामा ऑफ लैम्डा एन, ये नीचे लैम्डा चला था तो टोटल आंसर क्या आ गया वन, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट इसका क्या बोला है, इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, इसमें बोला है कि इसका जो क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट कैसे, देखो कैसे कहा इसने, जीरो टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, जब भी क्यूमुलेटिव में आ जाए तो उसके लिमिट में ना जीरो टू एक्स हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो तुम्हारा फंक्शन क्या बन जाएगा, क्यूमुलेटिव फंक्शन, पीडीएफ को हम सिंपल एफ से डिनोट करते हैं और क्यूमुलेटिव को कैपिटल एफ से। फिर ये भी बताया था डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसके पीडीएफ के इक्वल। तो ये क्या हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड इनकम्प्लीट डिफाइंड एज दिस। इसका बस ये तुम फॉर्मूला याद रख लेना, क्या करना है बस जीरो टू इन्फिनिटी की जगह तुम्हें जीरो टू एक्स करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखो तो एक्स भी लिख सकते हो, यू इसलिए लिख दिया क्योंकि लिमिट में एक्स आ गया ना तो वेरिएबल चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा। A continuous random variable x having the following PDF is sent to be gamma distribution with parameters a. अब के बार पैरामीटर क्या डाल दिया, a और डाल दिया साथ में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या हो जाएगा, तो साथ में बस क्या डाल दिया इन्होंने a lambda और डाल दिया। देखो क्या किया इसने, जो हमारा फंक्शन था ना यहाँ पे e की पावर माइनस x था, यहाँ पे x की जगह a और ले लिया इन्होंने, देखो x को रिप्लेस कर दो ए एक्स से, तो क्या बन जाएगा e माइनस ए एक्स, ए एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तुम्हें नहीं भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो कर लो, ये बस वैसे बता रहा है कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स वाई ए कॉमा लैम्डा बन जाएगा। वैसे तुम्हारा पैरामीटर क्या था, लैम्डा था, तो इसलिए वहां पे तो खाली सिंपल लैम्डा था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में ए भी आ गया तो तुम बोलोगे मैम ये क्वेश्चन बाद में, ई माइनस एक्स लैम्डा की पावर एक्स माइनस वन, सॉरी एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा था ना, ये था हमारा फंक्शन। अब ये कह रहा है कि अगर ए हो जाए तो ये हो जाएगा ए एक्स लेमडा की पावर माइनस वन लेमडा। अब तुम्हें याद होगा जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे तो जब कोई किसी वेरिएबल को पुट करते थे, जैसे डी एक्स है, अब एक्स स्क्वेयर था तो एक्स स्क्वेयर को अगर मैं टी पुट कर रही हूं तो टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हमें डी एक्स को भी चेंज करना होता तो डी एक्स की वैल्यू यहां से आती थी डी टी बाय टू रूट टी, ये 2x नीचे जाएगा तो यहां पर डी एक्स के साथ एक टू रूट टी भी आ गया ना, तो वैसे ही यहां पर किया है कि अगर मैं x को किससे रिप्लेस कर रही हूं ए एक्स से, ए एक्स क्या बन जाएगा, अब ये फंक्शन बना लो एक मिनट, ऐसा करो मैंने तुम्हें फंक्शन दिया था टी ई माइनस टी टी की पावर माइनस लैम्डा बाय लैम्डा गामा, ठीक है, मैंने फंक्शन ये दे दिया। अब मैं टी को किससे रिप्लेस कर रही हूं ए एक्स से, तो टी को क्या पुट कर रही हूं मैं ए एक्स, तो डी टी ये इंटीग्रेशन मान लो जीरो टू इन्फिनिटी, डी टी की जगह क्या पुट कर रही हूं ए एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू ए डी एक्स आ जाएगा, पुट करो क्या बनेगा ई माइनस ए एक्स ए एक्स की पावर माइनस लैम्डा की पावर माइनस वन लैम्डा, डी टी की जगह क्या आएगा ए डी एक्स, ई माइनस ए एक्स लिमिट्स वही रहेंगी, पुट करके देख लेना ई माइनस ए एक्स ए की पावर बाहर निकालो ए की पावर लैम्डा माइनस वन एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन, दोनों को पावर्स अलग अलग कर दी और एक यहां पे भी चला था ए, तो प्लस पावर करोगे तो क्या बन जाएगा ए लैम्डा, क्या बना ए लैम्डा ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन, इंटीग्रेशन वही था जीरो टू इन्फिनिटी, तो वही घूम के वही आ गए ना, देखो
ये वही बोल रहा है, ए की पावर लैम्डा, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन, लैम्डा की पावर गामा। तो ये बोल रहा है कि बस इधर, फिर ये कंडीशन में पहले वहां पे क्या था, जीरो टू इन्फिनिटी और लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वही है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बस वेरिएबल्स चेंज कर दिए। तो तुम्हें जरूरत नहीं है, मेन पीडीएफ तो वही है जो हमने पहले वाले में किया है, तो ये बस तुम्हें बता रहा है। और जब ए वन हो जाए तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा जो हमारा पहले था। अब क्या कर रहा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को किससे डिनोट करते हो, एम एक्स टी से, और वो होता क्या है, ई ऑफ ई टी एक्स। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, कॉन्टिन्यूस, तो लिमिट रहेंगे जीरो से, जो भी क्वेश्चन में दे रखे जीरो टू इन्फिनिटी, और जो फंक्शन अंदर होता है ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब हमारा पीडीएफ क्या होता है इसका, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन बाय गामा ऑफ लैम्डा डी एक्स। अब बस इंटीग्रेशन करना है, ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, गामा ऑफ लैम्डा जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर, दो टर्म्स हो गई, टी माइनस वन एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन डी एक्स। देखो यहां पर दिक्कत आएगी, अब ई टी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, टी हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो देखो यहां तक आ गए हम, टी इसने माइनस कॉमन लिया, क्यों लिया वो भी बताती हूँ। अभी मैंने तुम्हें बताया माइनस कॉमन लोगे क्योंकि हमें जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो क्या होता है, माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन, ये वाली टर्म को छोड़ के माइनस अलग होना चाहिए, यहाँ पे माइनस अलग नहीं है। मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, क्या बन जाएगा, वन बाय गामा लैम्डा ई की पावर, माइनस कॉमन लोगे तो वन माइनस टी एक्स बन जाएगा, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन डी एक्स। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी। अब तुम एक फॉर्मूला याद रख लो, अगर ये दिक्कत ना होता, ये ना होता वन माइनस टी, तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर था ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन डी एक्स का आंसर गामा ऑफ लैम्डा। लेकिन जब भी साथ में एक वेरिएबल और आ जाए तो तुम डायरेक्टली देखो, जो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था ना यहाँ पे, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, e माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन का गामा n आता आंसर। तो एक फॉर्मूला और याद रख लो, e की पावर माइनस ए एक्स आ जाए और x की पावर जो भी दे रखी है लैम्डा माइनस वन डी एक्स, जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा, गामा ऑफ लैम्डा, और ये ए गड़बड़ कर रहा था ना, ए की पावर में एक पावर कम कर दो, ए की पावर में क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे, जैसे यहाँ पे वन माइनस टी चल रहा है, तो क्या आंसर लिखा इसने, गामा ऑफ दिस वन माइनस टी। अब यहाँ पे क्या आएगा, जितनी पावर कितनी है इसकी, लैम्डा है ना, ए की पावर लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें एक फॉर्मूला मैं यहाँ कॉपी में लिख देती हूँ, फॉर्मूला होता है ये, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर लैम्डा माइनस वन डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, गामा ऑफ लैम्डा ए की पावर लैम्डा। ठीक है, तो तुम्हारा फॉर्मूला है। अब वो देखो ए का काम कौन कर रहा है, वन माइनस टी। ठीक है, तो वन माइनस टी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए की जगह वन माइनस टी पुट कर दो, गामा यहाँ पे गामा है, गामा का सॉरी लैम्डा है, लैम्डा की पावर में गामा आ जाएगा, और जो नीचे है जो एक्स्ट्रा पार्ट है वन माइनस टी की पावर लैम्डा आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होके वन माइनस टी की पावर लैम्डा बन जाएगा, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, टी क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, टी अगर वन हो गया नीचे, क्योंकि ये टर्म तो नीचे थी, अगर वन हो जाए तो वन माइनस वन क्या बन जाएगा, जीरो, और जीरो नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो स्पेशली लिखा है टी क्या नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ पे क्या होना चाहिए, टी की जो मॉड है वो वन से कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो बायनॉमियल थ्योरम है वो तभी लगती है जब ये वाली टर्म जो अंदर वाला रेशियो होता है वो वन से कम हो, तो ना तो वो वन हो ना वन से ज्यादा हो, तो वन से कम होगा तो ही लगेगा। ये वैसे सिंपल बायनॉमियल की ट्रिक्स होती हैं जिसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई भी फंक्शन वन माइनस एक्स की पावर में माइनस एन के ऊपर तुम बायनॉमियल लगाना चाहते हो तो ये जो वाला पार्ट है ये हमेशा लेस देन वन होना चाहिए। पहले यहां तक करते हैं, कल हम करेंगे क्यूमुलेटिव। एम एक्स टी एक बार दोबारा देख लेना, ये फॉर्मूला तुम जनरलाइजेशन फॉर्मूला ये याद रख लेना, मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी, और इसको अच्छे से समझो क्या है, क्योंकि न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है गामा, जब गामा समझ आएगा तभी बीटा, आगे वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीटा, उसके अंदर सारी चीज ये यूज हो रही है, तो तुम्हें ये समझ आएगा तो वो समझ आएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीजें हैं, तो तुम्हारे तीन डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे बन जाएंगे, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आगे नहीं चल सकते।